ऐसा है, आज इंस्पेक्शन करने का मतलब ये है कि मतलब काम कैसा चल रहा, काम सही हो रहा नहीं हो रहा। खजात सेक्शन भी चार दिन तीन दिन हुआ खोल के, खजात सेक्शन में जो है ना टाइमिंग भी बढ़ा दी है, क्योंकि लोग दूर दूर से गाँव से आते और ज़ईफ लोग भी आते, यंग लोग भी आते, सब लोग आते, मगर सेम डेट पे जो ना सर्टिफिकेट देना बोल के मैं स्टाफ को भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ मैं। और इंशाल्लाह जो है ना रोज़ाना एक बजे तक लेते थे एप्लीकेशन, पाँच बजे तक एप्लीकेशन ले भरो, आठ बजे तक सर्टिफिकेट डिस्पोज कर दो बोल के अभी वही बोलो मैं तो, आठ बजे तक जो है ना आठ साढ़े आठ नौ भी बजे तो ठहर के सर्टिफिकेट दे देना सेम डेट पर तत्काल में उस पर हर चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि वक्फ बोर्ड में जो गवर्नमेंट के तरफ से जो सील किया गया था रिकॉर्ड सेक्शन सील किया गया था, इसलिए किया गया था कि रिवेन्यू का सेकंड सर्वे जो चल रहा है वो सेकंड सर्वे में जो है ना अपने लैंड मिस नहीं होना बोल के। और दूसरी चीज़ जो है वक्फ बोर्ड में कुछ रिकॉर्डों की भी कुछ कमी है क्या है वो हिसाब से जो है ना सीएम साहब एक रिव्यू मीटिंग लेके उसमें सही आंसर नहीं आया तो सीएम साहब क्या करे उसको रोक के जो है ना रिकॉर्ड सेक्शन को सील करा दिए थे पूरे। तो वो रिकॉर्ड सेक्शन को सील इसलिए कराए कि रिवेन्यू में भी पूरी तरीके से रिकॉर्ड जाना चाहिए और एक एक पेपर को ये करके सॉर्ट आउट कर रहे हैं लोग, सर्ट राइट करके जो है वो पेपर जो है ना कोई पेपर की कमी है तो रिवेन्यू से निकाल के उसको जो है मुंतखब वगैरह जो जो चीज़ है उसमें देख लेके जो है ना वक्फ बोर्ड में इंक्लूड करने के लिए रिकॉर्ड में इंक्लूड करने के लिए वो चीज़ के लिए करे। ये नहीं है कि सीस करे बोले तो, ऐसा सीस नहीं है, कोई मेम्बर्स कोई गलत काम नहीं करे कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं खुद इसका वेलकम करा सो सीएम साहब जो काम करे, क्यों इसलिए वेलकम करे कि आज अगर हम बोलते तो ये काम होता नहीं था है। सीएम साहब बोलने से जो है ना पूरे स्टेट लेवल पे काम चल रहा है वक्फ बोर्ड का,